अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रमोट को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया विशेष सचिव ने। अब प्रमोट होना लगभग तय है। हाँ गाइस, सही सुना आपने, यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रमोट को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया है किसने? विशेष सचिव ने। और अब प्रमोट होना लगभग यकीनी और तय माना जा रहा है। तो क्या है अपडेट और क्या है नोटिस, क्योंकि मैं इसलिए नोटिस को दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो वीडियोस बन रही है ये फेक वीडियोस बन रही है। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड की है उसका कोई ना कोई बेस रहा, उसके कोई ना कोई आधार रहा, तभी वीडियो अपलोड होती है। आप ये सोचते हो फेक हो, ऐसा कुछ नहीं। फेक बोलने से पहले आप लोग एक बार गौर कर लिया करो, आप लोग पहले सर्च करो, जब फेक आपको लगे तभी बोला करो, वरना फिर बहुत दुख होता है। आप लोग ऐसे फेक ही बोल देते हो बिना सर्च के, बिना कुछ जाने सूझे समझे। तो इसलिए हम बात करते हैं क्या है नोटिस और क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करके रखना ताकि जैसे कोई अपडेट आता है न्यू एजुकेशन या प्रमोट को लेकर तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये जो है नोटिस थोड़ा कार्यालय गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अनुशासन उच्च शिक्षा अनुभाग की तरफ से जारी किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा है, चाहे वो वार्षिक हो या सेमेस्टर हो, होने वाली परीक्षाओं के बिना अध्ययनरत छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के हेतु मानक दिशा निर्देश निर्धारित करने एवं तदनुरूप शासन को संतुति उपलब्ध कराए जाने हेतु सम्यक जारुप्रांत निम्नलिखित कुलपतिगण की त्रिसदी समिति का एतद द्वारा गठन किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं ये किसके द्वारा जारी किया गया, उच्च सचिव उत्तर प्रदेश शासन यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से और उच्च शिक्षा अनुभाग की तरफ से जारी किया गया है प्रमोट करने के लेकर, जो मानक वगैरह बनना है उसमें जो है उसको लेकर एक द्वारा ये त्रिसदी समिति का गठन किया गया है। पहले प्रोफेसर आलोक कुमार राय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, दूसरे प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जो कि एकेटीयू कुलपति हैं, और छत्रपति शाहू जी के भी कुलपति हैं प्रोफेसर। तीसरे हैं प्रोफेसर केशवलाल सिंह जो कि कुलपति हैं महात्मा ज्योतिबा फूले बरेली यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति हैं। उक्त समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट संस्तुति एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराएगी। अब्दुल साद विशेष सचिव जो है इन्होंने नोटिस जारी किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी को फेक लगे तो यार आप जाके इनका जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वगैरह पे और वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, तभी आप बोलना फेक है फिर नहीं फेक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ट्रस्ट रखो, क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस अपलोड की है, मैंने जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मैं देखता हूँ हमारे भी चैनल पे अपलोड होने के बाद ही, जो इतने सारे यूट्यूब वाले हैं जितने भी सारे यूट्यूबर हैं और जो हमारे जो इस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं उसके बाद ही उनका वीडियोस आता है। जैसे मैं देखा हूँ कि मैंने एक से दो टॉपिक्स पे वीडियो बनाया था, उसके 2 से 3 दिन के बाद सब लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो यार जो भी वीडियो अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, बिल्कुल कोई फेक न्यूज़ नहीं होती, जो रियल होते हैं हकीकत होता वही आपके सामने आता है। तो इस तरह की लेटेस्ट और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का पता चले, क्योंकि वो भी समझते हैं कि फेक है या फिर इस तरीके से उनको भी जो है कन्फ्यूजिंग है, उनको भी शेयर ज़रूर करें।